ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर आखिर है क्या? देखो इसमें एक चीज़ तो है H3BO3 बोरिक एसिड। देखो तरतीब से हम देखते हैं, ग्रुप 3A के कंपाउंड्स अगर देखो तो आपके कोर्स में कौन कौन से हैं? बोरोन और अल्मोनियम। अब बोरोन के लिमिटेड ही कंपाउंड होते हैं, एक तो बोरिक एसिड है जिसका फार्मूला है H3BO3, एक है बोरेक्स Na2B4O7। अब मेरे भाई अगर आपको बोरिक एसिड बनाना है, ठीक है, तो एक तो आप बोरेक्स से बना सकते हो और किस कंपाउंड से बना सकते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक बात तो अंडरस्टूड है कि अगर बोरिक एसिड बनाना है तो हाइड्रोजन तो बड़ा कॉमन कंपाउंड है, ऑक्सीजन भी बड़ा कॉमन कंपाउंड है। तो बड़ी अच्छी तरीके में बता रहा हूँ जो आपको बहुत यूजफुल होंगी, चाहे एप्टीट्यूड टेस्ट हो चाहे थियोरी। और बोरोन, हाँ जी, ये इतना कॉमन कंपाउंड नहीं है। बोरोन के लिमिटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें एक तो खुद बोरिक एसिड हो गया, एक बोरेक्स एसिड हो गया। क्या कोई और भी कंपाउंड होता है? जी हाँ होता है, बोरोन नाइट्राइट होता है, बोरोन नाइट्राइट। क्या ऐसा कोई कंपाउंड हो सकता है, पहला सवाल? बिल्कुल जी, बोरोन का ग्रुप 3 है, वैलेंसी प्लस 3 होगी। नाइट्रोजन का ग्रुप 5 है, 5 वालों की माइनस 3 होती है, प्लस 3 माइनस 3 बैलेंस। बिल्कुल जी, परफेक्ट है, कंपाउंड हो सकता है, एग्जिस्ट करता है। अब बनाना है बोरिक एसिड। अब देखो बड़ी अहम तरकीब है इनऑर्गेनिक यार, बोरोन नाइट्रेट से बोरिक एसिड बनाना है। बोरिक एसिड में दो बड़े हेम एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई ऐसा कंपाउंड मिलाना पड़ेगा जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। सबसे कॉमन कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो वो कौन सा है? वाटर। जी हाँ, मम्मा मानी। अब एक बड़ी दिलचस्प बात, क्या बोरोन ग्रुप प्लस थे, नाइट्रोजन की बात करें तो माइनस थे। कंपाउंड के फार्मूले में देखो, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और बोरोन का ग्रुप 3, तो 3-3 बड़ा चल रहा है भाई, 3 ही ऑक्सीजन है, तो वाटर के साथ भी मैं क्या लगा दूंगा? 3 ही लगा दूंगा। अब आप देखो क्या लेफ्ट और राइट साइड बैलेंस हुई? जी, एक बोरोन लेफ्ट पे एक बोरोन राइट पे। यार ये तो बिल्कुल बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन लेफ्ट पे 3 ऑक्सीजन राइट पे, लेकिन एक चीज की कमी है राइट साइड पे, वो है एक नाइट्रोजन की, और हाइड्रोजन जो है लेफ्ट पे चाहिए राइट पे थे, तो इसका मतलब है 3 हाइड्रोजन भी चाहिए। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का क्या कोई कंपाउंड होता है? जी हाँ होता है, अमोनिया, बड़ा कॉमन कंपाउंड है। तो ये तो बड़ा आसानी से हमें पता चल गया। अब देखो ये जो बोरिक एसिड है ये क्या होता है? सॉफ्ट, नरम, सिल्की, वाओ, वाइट क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टल की लेयर में डिस्टेंस होता है 3.18 एंगस्ट्रॉम। एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ होता है, आई वॉश, और कैरम बोर्ड का जो पाउडर होता है वो भी यही होता है। कौन भाई? बोरे